नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर वो विधायक बनती है तो वो हस्तिनापुर को द्रौपदी के श्राप से मुक्ति दिलवाएंगी। ऐसा क्या कुछ करेंगी अर्चना सिंह और क्या था द्रौपदी का श्राप, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी का महारण सच चुका है। चुनावी बिगुल बजते ही योद्धा अपने अपने क्षेत्र से युद्ध करने के लिए चुनावी रण में उतर रहे हैं। हालांकि सभी सेनाओं की तरफ से अभी गिने चुने योद्धाओं का ही ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की सेना की तरफ से हस्तिनापुर से अपने योद्धा के तौर पर मॉडल और एक्ट्रेस अर्चना गौतम को नियुक्त किया गया है, जो इस रण में हस्तिनापुर से कांग्रेस की तरफ से युद्ध करेंगी। इस महारण को फतेह करने के लिए योद्धाओं की तरफ से जनता से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। इस कारण हस्तिनापुर सीट अचानक से हाई प्रोफाइल बन गई है। दरअसल कांग्रेस की उम्मीदवार ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए जनता से एक बड़ा वादा कर डाला है। आपको बता दें कि बिकनी गर्ल की तरफ से हस्तिनापुर की जनता से वादा किया गया कि अगर वो जीती तो हस्तिनापुर को द्रौपदी के श्राप से मुक्ति मिलवाएंगी। जी हाँ, ये वादा किया गया है कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम की तरफ से। उन्होंने कहा कि उनके विधायक बनते ही वो हस्तिनापुर को द्रौपदी के श्राप से मुक्ति दिलवाएंगी और हस्तिनापुर में विकास की गंगा बहाएंगी, चंडीगढ़ की तरफ इसका विकास करवाएंगी। अर्चना ने कहा कि उन्हें भले ही राजनीति ज्यादा समझ न आती हो, लेकिन लोगों के मुद्दे को विधानसभा तक पहुँचाने का वो पूरा प्रयास करेंगी। आपको याद होगा कि द्वापर युग में महाभारत काल में हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। इसी जगह पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में द्रौपदी को हारा था, जिसके बाद चीरहरण की घटना हुई थी। इसी वक्त द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दिया था। द्रौपदी ने कहा था कि जिस जगह नारी का सम्मान नहीं होता, उस जमीन पर कोई विकास नहीं होता, वो जमीन पिछड़ जाती है। दरअसल कहा जा रहा है कि साल 1949 में सरकार हस्तिनापुर को एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती थी, लेकिन वो काम आज तक पूरा नहीं हो सका, जिसके पीछे द्रौपदी के श्राप को वजह बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि द्रौपदी का श्राप आज भी असरदार है, जिस कारण हस्तिनापुर आज भी विकास से वंचित है और कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम इसी श्राप को तोड़ने की बात कर रही हैं। बहरहाल अर्चना गौतम के वादों पर जनता कितना भरोसा करती है और हस्तिनापुर को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके किए वादे पर उनको जिताती है या नहीं, ये तो अब 10 मार्च के नतीजों के बाद पता चलेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।